काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से है। जो अपना का चौकाए दी अपना पचे अबे तक गेहूं चाउर और तरह तरह के दलहन और तिलहन और कहा जाए कि अन्य फसलन के नाम सुने हो, लेकिन रीवा में अपराधीन के हौसला इतने बुलंद है कि प्रतिबंधित खेती अफीम के फसल उगाए डाले, जेकर कीमत जो है पुलिस के द्वारा लगभग 20 लाख रुपया आकी गई ही और एकर कुल वजन जो है एक क्विंटल बतावा गया है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी। यह बेहद बड़ी खबर से जहां अपना पचक बताया नहीं, खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिला से है, जहां गढ़ पुलिस के द्वारा पकड़ी गई अफीम की खेती 20 लाख कीमत के एक क्विंटल अफीम बरामद करके जो है पुलिस के द्वारा आरोपी का गिरफ्तार किया गया है। रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह का मिली मुखबिर के सूचना के बाद गढ़ पुलिस के द्वारा पकड़ी गई अफीम की खेती 20 लाख कीमत के एक क्विंटल अफीम गेहूं और प्याज के खेत के बीच में कीन गई रही। आरोपी अफीम के खेती गेहूं और प्याज के बीच में छुपाई के कर रहा और यह कार्यवाही के दौरान एसडीओ मनगमा कृपा शंकर पांडे, गढ़ थाना प्रभारी विकास कपीस और आरक्षक आशुतोष मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। सुने उप पुलिस अधीक्षक के पूरा बयान। आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। ये रीवा पुलिस की नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसके तहत हमने जगह जगह सोर्स डेवलप की है। इसी तारतम्य में आज दिनांक को हमारे थाना गढ़ के अंतर्गत काम करैया में उकबेर से सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पे अफीम के पौधे लगे हुए, जिस पर जो सूचना की पुष्टि की गई और जाके कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बढ़िया कार्रवाई करी और उसके तहत आज करीब 100 किलोग्राम डोडा छोड़ा अफीम के पौधे पर कार्रवाई की गई है और जिसके तहत दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और जिसकी लगभग कीमत 20 लाख के लगभग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है। तो पुलिस की बढ़िया कार्रवाई हुई है इस पर।